हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास टेंथ के सोशल साइंस के बेरे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप टू मार्कर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देखिए मैंने आपको हिंदी माध्यम के लिए हिंदी मीडियम के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसलिए ये वीडियो भी आ चुका है अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था उसमें पूरे बीस पच्चीस मिनट मेरे बर्बाद हो गए क्योंकि उसमें मैंने वॉइस को रिकॉर्ड किया लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई जिसकी वजह से वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया था तो ये फिर से मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल दिया था ये वीडियो लेकिन वो उसमें वॉइस नहीं आई मैंने देख नहीं पाया और मैंने अपलोड कर दिया तो उसमें कुछ इश्यू आ गया होगा जिसकी वजह से उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई लेकिन उम्मीद है इस वीडियो में होगी ठीक है चलिए क्वेश्चन देखिए वन है वाट डू यू अंडरस्टैंड वाई रिसोर्सेज अंडरस्टैंड वाई रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या होते हैं देखिए एवरी ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन अवर इन्वॉर्मेंट यूटिलाइज टू फुलफिल अवर नीड्स एंड मेड यूजिंग अवेलेबल टेक्नोलॉजीज इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज ठीक है जो हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो रिसोर्सेज होते हैं ठीक है उसके बाद उसका क्वेश्चन देखिए सेकंड है व्हाट इज नेशनल रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं टेक्निकली रिसोर्सेज फाउंड इन कंट्री आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज जो भी कंट्री में रिसोर्सेज होते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं दिस इंक्लूड आल मिनरल रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू द ट्व नोटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर इन द सी समुद्र के अंदर ये होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए वाट इज वांगर वांगर रिफर्स टू द ओल्ड एल्यू वाइल सॉइल ऑफ द लार्ज प्लेन इट इज द हायर पार्ट ऑफ द प्लेन वेयर द फूड वेयर द फ्लड वाटर ऑफ रिवर नो लॉन्गर रीच दिस सॉयल इज रिलेटिवली लेस फर्टाइल एंड हैज एन अबेंडेंट ऑफ कैल्शियम इसमें कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है और जहाँ पर फ्लड का वाटर भी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर ही पाई जाती है लेस फर्टाइल होती है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देखिए डिफरेंस बिटवीन वांगर सॉइल एंड खादर सॉयल वांगर एंड खादर में आपको अंतर लिखना है इट इज़ द अपर लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेट फॉर्म्ड बाय एनशेंट डिपॉजिट इट इज द लोअर लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लान फॉर्म्ड बायसेंट डिपॉजिट ठीक है ये एंसेंट डिपॉजिट इसमें है रीसेंट डिपोजिट इतना अंतर है ये लोअर लोअर सॉयल होती है ये ये अपर लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लान जो नॉर्दर्न प्लेन होती है उनकी अपर लैंड होती है ये लोअर लैंड होती है कंटेंट ग्रेबल्स इसमें ग्रेबल्स पाए जाते हैं इट इज़ क्ले ए डज नॉट कंटेन ग्रेवल ठीक है इसमें ग्रेवल्स नहीं होते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देखिए व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट नीड्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स ठीक है फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना ठीक है अभी जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो उस प्रकार का डेवलपमेंट होता है जो प्रेजेंट में होता रहता है और निरंतर चलता रहता है और जो फ्यूचर में जो जनरेशन आई है उसके डेवलपमेंट पे या उसकी एबिलिटी पर उसकी नीड्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए वाट डॉइल डिग्रेडेशन रिफर्स टू सॉइल डिग्रेडेशन रिफर्स द डी डेट्रीवर्सन ऑफ द सॉयल फर्टिलिटी ड्यू टू द असेंशियल नेचुरल न्यूट्रिएंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है सॉयल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है लगातार ये होती है सॉइल डिग्रेडेशन क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए वाट इज मीनड बाई कैस एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स कैश इन कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं जिनका उपयोग हम खाने के लिए नहीं करते डायरेक्टली बेचने के लिए जिनका उपयोग वित्तीय मतलब आर्थिक क्रियाओं के लिए करते हैं मतलब जैसे कि बोल सकते हैं कि बेचने के लिए करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं कैश इन कमर्शियल क्रॉप्स रिफर्स टू द क्रॉप्स दैट आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड फॉर फूड बट आर सोल्ड फॉर कैश ठीक है रुपयों के लिए बेची जाती है एक्जाम्पल इंक्लूड कॉटन टी कॉफी सीशम सोयाबीन शुगर कैन टोबैको रबर एक्टर, एक्टर, एक्टर ठीक है क्वेश्चन नंबर एट देखिए वाई इज जूट कल्ड द गोल्डन फाइबर जूट को गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं जूट इज कल्ड द गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स शाइनिंग गोल्डन कलर ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए राइट एनी टू यूटिलिटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के टू यूटिलिटीज आपको इसमें लिखना है देखिए इन एम्प्लॉयमेंट ये देती हैं एक तो प्रॉपर एक्सपोर्टेशन एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ करते हैं ये तो इसमें देखिए मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द मेन मीनस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर क्वेश्चन नंबर इसमें मतलब सेकंड पॉइंट है प्रॉपर एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन द कंट्री प्रॉपर एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द लार्ज क्वांटिटी हैज़ बिकम पॉसिबल ठीक है ये यूटिलिटीज आप लिख लेंगे व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग देखिए प्लानिंग ऑफी जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग मतलब सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना रिसोर्सेज का ये रिसोर्सेज प्लानिंग होता है वाट इज डिजर्ट सॉयल मरुस्थलीय मृदा क्या होती है द सॉयल फाउंड इन द ड्राई एरिया विद लेस रेनफॉल इज कॉल्ड डिजर्ट सॉइल डिजर्ट में पाई जाती है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसे कि राजस्थान है अपने यहाँ ठीक है रेत पाई जाती है वहाँ पर व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 इज द डिक्लेरेशन अडॉप्ट इन 1992 ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन जीओ डी जेनिरो ब्राज़ील में ये हुआ था ठीक है इट आउटलाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एक्शन प्लान फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इसकी आउटलाइन क्या कहती थी कि किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और क्या हमारा गोल होना चाहिए फॉर ट्वेंटी वन सेंचुरी ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के लिए क्या गोल होना चाहिए सस्टेबल डेवलपमेंट के लिए देखिए आपको क्वेश्चन को यह से याद रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है यहाँ से कि एजेंट ट्वेंटी वन क्या था इसमें वो किस सन में ये लाया गया था और ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर इसका डिक्लेरेशन जो है हुआ था देखिए देख सकते हैं यहाँ पर ये रियो डी जेनरे रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था ठीक तो याद चीज़ें करना ये क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं वो व्हाट इज सॉयल एरोजम देखिए ऐसा तो हुआ है साइंस में साइंस में ऐसा ही हुआ है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा यदि पढ़ा है तो बन गया होगा आपसे यदि नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन के अंदर से जो ऑब्जेक्टिव बने हैं वो आपसे नहीं बने होगा क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें से ही ऑब्जेक्टिव बना देते हैं वो ठीक है हम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं वो तो सब आ ही जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जो कि वो बीच से बनाते हैं क्वेश्चन के तो वो आपको याद रखना होता है वाट इज सॉयल इरोजन सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस बाई बीच दॉयल इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाई विंड और वाटर ठीक है विंड और वाटर के द्वारा सॉयल अनदर प्लेस पहुंच जाती है ये होता है सॉइल इरोजन मतलब कि वहाँ की उपजाऊ जो मृदा है फर्टाइल सॉयल है वो वहाँ से हट कर कशी दूसरी जगह पर पहुँच जाएगी जिसकी वजह से वहाँ पर मिट्टी नहीं बचेगी और उस स्थान की उस जगह की उस पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है वो उतनी अच्छी फर्टाइल नहीं होगी इससे सॉयल इरोजन कह, कहते हैं ऑफन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन के कारण ये होता है डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो जो जो प्लांट होता है प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं सॉइल को लेकिन वो डिफॉरेस्टेशन होगा मतलब प्लांट को काट दिया जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा सॉयल ढीली पड़ जाएगी जिसकी वजह से वो बिंड से या पानी के माध्यम से भाग के चली जाएगी कहीं पर भी तो ये होता है सॉयल इरोजन ठीक है एंड इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के द्वारा भी ये होता है वाट आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच कम्युनिकेशन टूल आर इंक्लूडेड इन इट ठीक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर टूल्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू लार्ज फॉर पॉपुलेशन ठीक है दे इंक्लूड रेडियो न्यूज पेपर एंड टेलीविजन ठीक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं वो टूल्स होते हैं ठीक है विच इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड टू अ लार्ज

एक ऐसे सिस्टम के द्वारा इनको रिक्रूट किया जाता था किसी भी काम के लिए इन लेबर को इन्हें बोलते थे जो जिस सिस्टम के द्वारा किया जाता था उसे ग्रिमिट बोलते थे तो इन मजदूरों को बोला जाता था ग्रिमिटिया ठीक है वेयर देयर वेयर वे दे एग्रीड टू वर्क फॉर स्पेसिफिक पीरियड अंडर सर्टन कंडीशन इन द न्यू कंट्री ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए डिफाइन इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी को आपको डिफाइन करना है इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स इंपोज ऑन गोल्ड सॉरी गुड्स ठीक है इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है इम्पोर्ट ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स होता है या कस्टम ड्यूटी को बोल सकते हैं जो कि लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विस पर जो कि किसी दूसरे देश से हम इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर ठीक है ब्रॉड इंटू अ कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री यानी खरीदे जाते हैं जो चीज़ जो चीज़ें दूसरे कंट्री से हम अपने आप कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी या जो टैक्स लगता है वो हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए हु वर द जॉबर जॉबर कौन थे जॉबर वर इंडस्ट्रियस्ट हु हायर ड ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय टू रिक्रुट न्यू लेबर फॉर वर्क एंड सच एम्प्लॉयड वर्क हाल्ट जॉबर जॉबर एक प्रकार के एम्प्लॉय थे जिन्हें हायर किया, किया गया था हायर किया गया था एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को रिक्रुट करने के लिए न्यू लेबर जो जरूरी होती थी इंडस्ट्री में उनको रिक्रुएट करने के लिए जो ट्रस्टेड होते थे जो मतलब जिन पर भरोसा किया जा सकता था ऐसे ऐसे लेबर को रिक्रुट करने के लिए जिन्हें हायर किया जाता था वो जॉबर होते थे ठीक है What इज meant by कार्डलिंग कार्डलिंग इज द प्रोसेस इन विच कॉटन और wool फाइबर आर prepared फॉर स्पाइनिंग ठीक है उसको देखो ट्वेंटी टू देखिए वाट इज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन द प्रोस्टेंट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन रिफर टू द मूवमेंट अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक चर्च दैट टुक प्लेस इन सिक्सटींथ सेंचुरी यूरोप दिस मूवमेंट लेड टू द इमरजेंस ऑफ द वेरियस प्रोस्टेंट डिनोमिनेशन एंड चैलेंज मैनी प्रैक्टिस ऑफ द कैथोलिक चर्च ठीक है क्वेश्चन नंबर इन इन प्री प्री प्रिंटिंग प्रिंटिंग एरिया एरिया हैंडमेड पेपर्स ठीक है हैंडमेड पेपर्स और पाम स्लीव पर लिखे जाते थे हाउ कैन क्लीन वाटर बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन टू सजेशंस दीजिए देखिए हम कैसे क्लीन कर सकते हैं वाटर को इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से इंडस्ट्रीज दैट हैवीली पॉल्यूटेड वाटर शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स एंड लेक्स रिवर और लेक्स इनको दूरी लगाना चाहिए वाटर बॉडीज को सॉरी जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्रीज हैं उनको स्ट्रीड ऑफ डायरेक्टली डिस्चार्जिंग वाटर यूज इन इंडस्ट्रीज इन टू वाटर बॉडीज द वाटर शुड बी ट्रीटेड एंड रूज फॉर इरीगेशन ठीक है मतलब कि जो डिस्चार्ज हम करते हैं वाटर का उसको पहले ट्रीट किया जाना चाहिए ऐसे डायरेक्ट ही छोड़ नहीं दिया न, छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी वाटर बॉडी में क्योंकि वो उसको पॉल्यूट पॉल्यूट कर देगा जो भी वाटर निकला हुआ है जो भी बेकार पानी जो निकला है उसको ट्रीट किया जाना चाहिए पहले ठीक है ट्रीट कैसे कर सकते हैं जो जो प्लांट लगाए जाते हैं ठीक है ठीके? उससे जो वाटर को सही करने क्लीन करने के लिए जो प्लांट लगाए जाते हैं उनसे राइट टू कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन के कारण ठीक है डिस्चार्ज ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री रिवर थ्रू इफ्लुएंस पोल्यूशन ऑफ दर टू डिस्पोजल वाटर में डायरेक्ट इनको डिस्पोज किया जाता है जिसकी वजह से हो जाते है पॉल्यूशन वट डज द टर्म स्प्रिंग जेनी रिफर्स टू स्प्रिंग जेनी रिफर्स क्या होती स्प्रिंग जेनी मशीन होती थी ठीक है स्प्रिंग जेनी वॉज अ मशीन फॉर स्पिनिंग एन इन्वेंटेड बाय जेम्स हार्गीव याद रखिएगा आप लोग सत्रह सौ चौसठ में डिस्कवर कर गई थी जेम्स हार्गीव ने इसको डिस्कवर किया था आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो याद रखना है ठीक है इट जीवल्यूजनाइज द स्पिनिंग प्रोसेस बाय प्रोसेसिंग वन वर्कर टू स्पाइन मल्टीपल थ्रेड साइमटेनियसली ठीक है ये अलाउ करता था एक धागे को वो मतलब की इसमें देख सकते हैं मल्टीपल थ्रेड एक साथ ही एक वर्कर कैसे कर सकता था उसको स्पिन कर सकता था मल्टीपल थ्रेड को कई सारे धागों को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वट वाज सिस्टम ऑफ हायर परचेज हायर परचेज का सिस्टम क्या होता है हायर पर द सिस्टम वेयर गुड और गुड ऑन क्रेडिट एंड पेड फॉर देम इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट कोई चीज खरीद लेता था और वीकली और मंथली उसको पे करते रहता था इंस्टॉलमेंट किस्तों में उसके बाद देखिए वाट इज रेफर टू द नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे क्या होता है नेशनल हाईवे आर द प्राइमरी रोड नेटवर्क कनेक्टिंग द कैपिटल सिटीज मेजर सिटीज एंड एम्पोर्ट टेन टाउन्स द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज रोड फॉल अंडर द जुडिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सी पी डब्लू डी मतलब कि इसका देख रेख और इसकी व्यवस्था इसको मेंटेनेंस किसके द्वारा किया जाता है सी पी डब्ल्यू डी ठीक है नेशनल हाईवे का Name to feature of the Dudasan as means of communication. Dudasan is the most powerful medium for broadcasting, providing information on news, weather, sport, and regional language program. It serves as a source of entertainment and help students with educational content. 30 Name major item exported from India. Major item exported from India include the iron ore, gems, and jewellery, chemical and related product, and agriculture and related products. आइटम्स लिखने जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से आयरन और जो आयरन के अयस्क हैं जेम्स हैं ज्वेलरी हैं केमिकल्स हैं कुछ ठीक है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हैं इनको एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से मेंटेन टू मेंटेन मेंटेनिंग मेंशन टू फीचर ऑफ कांडला पोर्ट कांडला पोर्ट इज द टाइटल पोर्ट ये टाइडल पोर्ट है इट वाज डेवलप्ड एज द फर्स्ट पोर्ट इन कच आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद 15 अगस्त उन्नीस तो के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद ये पहला ऐसा पोर्ट था जो कि बनाया गया था डेवलप किया गया क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखिए वट इज टेरिस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग लार्ज फील्ड इन टू टेरिस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन दिस मैटर अलाउड वाटर टू बी स्टोर्ड एट डिफरेंट लेवल्स मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन सॉइल्स ठीक है टेरिस फार्मिंग ऐसी होती है जैसे कि कई पहाड़ों पर एक ही करके स्टेप स्टेप बाई स्टेप उसको मेंटेन किया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है ठीक है उत्तराखंड में आपने देखो देखा होगा कभी इमेज वगैरह आप देखना है नेट पे सर्च करके मेंटेन टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट सॉइल डेजर्ट डेजर्ट सॉइल होती है एज लो मॉइस्चर इसमें मॉइस्चर बहुत ही कम होता है पानी की मात्रा इसमें कम होती है इट कंटेन हायर कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल सॉइल इनमें नमक ज़्यादा होता है मिनरल सॉइल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं राइट टू राइट द नेम ऑफ द फोर क्रॉप्स ग्रोन थ्रू प्लान्टसन एग्रीकल्चर टी कॉफी रबर एंड शुगर के इन ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रो होती हैं नेम द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर थ्री मेजर टाइप देखना है देखिए सब्सटेंस सब्सटेंस जो होती है फार्मिंग एक टाइप है कॉमर्शियल फार्मिंग एंड शिफ्ट कल्टिवेशन ये थ्री टाइप हो जाएंगे थर्टी सिक्स डी के वाट इज मीट वाई द बेसिक इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड इन एग्जाम्पल बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन और रॉ मीटीर रॉ मटीरियल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर इंडस्ट्रीज एंड एग्जाम्पल इज कॉपर स्मल्टिंग एंड एलुमिनियम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो कि जिनका जो प्रोडक्ट है किसी दूसरी इंडस्ट्री पर डिपेंड होता है ठीक है जैसे कि जो आयरन इंडस्ट्री है आयरन इंडस्ट्री से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कई सारे जैसे कि मोटर्स जो बनाए जाते हैं ठीक है ठीके? कार्स व्हीकल्स बनाए जाते हैं ठीक है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से एरोप्लेन्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री हो जाएगी क्योंकि इसका उपयोग किसी दूसरी इंडस्ट्री में हो रहा है वाट इज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन रिपोर्ट टू द प्रोसेस बाई प्रोसेस ऑफ मूविंग इंडिविजुअल और एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग मीडियम ठीक है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है सिंपली ट्रांसपोर्टेशन रिपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग इंडिविजुअल और एनिमल फ्राम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस ठीक है यह होता है ट्रांसपोर्टेशन परिवहन हिंदी में बोला जाता है वाट इज इंटरनेशनल ट्रेड मैंशन टू कम्पोनेंट्स इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज टू कम्पोनेट्स आर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस गुड्स मतलब होता है जो माल होता है चेंजेस होता है यहाँ से दूसरे देश में भेज देंगे वहां से अपन मंगा लेंगे तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आयत और निर्यात जो होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन देखिए राइट टू फीचर ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के पीछे देखिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज द प्राइमरी मीन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पैसेंजर्स इसका प्राइमरी मतलब तो यही है कि माल को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना पैसेंजर को पहुँचाना सेकंड देखिए इंडियन रेलवे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फैसिनेटिंग द पीरियड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्योंकि इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके लिए जो कच्चा माल है रेलवेज के द्वारा यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता है तो ओवरऑल एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है वट इज़ अ फ्लाई सेटल फ्लाई सेटल क्या होता है फ्लाई शेटल इज द मैकेनिकल डिवाइस यूज इन विविंग इन बाई दी एम एंड पोल्स इट स्पीड ऑफ द विविंग प्रोसेस बाई ऑटोमेटिकली कैरिंग द हॉरिजेंटल थ्रेड्स अक्रॉस द लूंग हेल्पिंग वीवर्स टू प्रोड्यूस वाइडर एंड फास्टर क्लॉथ ठीक है ये वीवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता था क्योंकि ये बहुत ही प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टी वन राइट अ ब्रीफ कॉमेंट ऑन द गुटन बर्ग प्रेस गुटेन बर्ग प्रेस क्या होता था देखिए जोहेंस गुटन बर्ग इन्वेंट द प्रिंटिंग प्रेस मॉडल इन फोर्टी फोर्टी एट आल्सो नोन इज़ द गुटेनबर्ग प्रेस इट वॉज डेवलप्ड वर्जन ऑफ द ओलाई प्रेस ये ओलाई प्रेस का एक डेवलप वर्जन था गुटेनबर्ग क्रिएटेड टाइप्स ऑफ दल ट्वेंटी सिक्स करेक्टर ऑफ़ द रोमन अल्फाबेट उसने रोमन अल्फाबेट के ट्वेंटी सिक्स करेक्टर बनाए थे द गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट टू फिफ्टी पेजस वन साइड इन एनआवर एक घंटे में दो सौ पचास पेजेस को वो एक साइड उसको प्रिंट कर सकता था क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू देखिए एक्सप्लेन वर्नुकुलर प्रेस एक्ट ब्रीफली वर्नकुलर प्रेस एक्ट क्या था देखिए स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता की नहीं स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था एट्टीन फिफ्टी सेवन उसके बाद आफ्टर द एट्टीन फिफ्टी सेवन रेवोल्यूशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस फ्रीडम यानी जो प्रेस फ्रीडम होती थी प्रेस की स्वतंत्रता होती थी उस पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कोई भी फ्रीली कोई भी नहीं लिख सकता था सरकार के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के इन दिस कॉन्टेक्स द वर्नकुलर एक्ट प्रेस वाज enacted in 1878 model after the irish press law it granted the government extensive power to censor reports and editorials in linguistic press the act allowed the authorities to seize newspaper and confiscate confiscate printing machines yani ki yadi सरकार के खिलाफ कोई कुछ लिखेगा तो उसको वो seize कर सकते थे newspaper को या फिर उस press को ही जहाँ से अखबार छापे जा रहे हैं व्हाट इज जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है इन एन इकोनॉमी टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ आल फाइनल इन रेफर अ जीडीपी यानी पूरी ओवरऑल ईयर में कितना फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्शन हुआ है वो होता है जी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वॉट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाएं क्या होती है अक्वायरिंग वेल्थ फॉर इंडिविजुअल आर कार्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिस दिस इंक्लूड जॉब लाइक नर्सिंग इन हॉस्पिटल और वर्क इन बैंक ठीक है तो कई सारे एक्टिविटीज़ हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि बैंक्स में वर्क करना हॉस्पिटल में जॉब करना यह कई कई तरह की जॉब्स होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनसे पैसा कमाया जाता है ठीक है फोर्टी फिफ्थ देखिए वट डज लाइबलाइजेशन मीन्स लाइबलाइजेशन एक प्रोसेस होती है वही बीच द गवर्नमेंट रिमूव रेस्ट्रिक्शन और वेंस ठीक है ये होती है लाइबलाइजेशन वाट आर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज वेन वी प्रोड्यूस अ कॉमनली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर्स और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर फिशिंग एनिमल हजबेंड्री माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं जैसे कि फिशिंग बी कीपिंग जो होता है मधुमक्खी पालन ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाती थी ठीक है वाट वॉज कैनल कॉलोनी कैनल कॉलोनी क्या होती थी द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट क्रिएटेड कैनल टू मेक एरिड लैंड फर्टाइल फॉर बीट एंड कॉटन कल्टिवेशन पीपल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ पंजाब वर वट टू सेटल इन एरिया इरीगेटेड बाई दीज न्यू कैनल्स देर सेटलमेंट वर कॉल्ड कैनल कॉलोनी वहाँ पर जहाँ पर फर्टाइल लैंडस होती थी वहाँ पर लोग शिफ्ट हो जाते थे कल्टिवेशन के लिए तो उन कॉलोनीज को कहा जाता था केनाल कॉलोनी वट आर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज क्वेश्चन रिपीट हो गया वही वट इज सिल्क रूट सिल्क रूट क्या द सिल्क रूट अ नेटवर्क ऑफ रूट कनेक्टिंग वास्ट रीजन इन एशिया अलॉन्ग विद द यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका फेसिनेटिंग ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वट वीटो वीटो का मतलब क्या है राइट राइट ऑफ ऑफ रिफ्यूजल द राइट

स को कंप्लीट कंट्रोल uh, uh, करने के लिए व्हाट इज डिसक्विस्ड एन एम्प्लॉयमेंट व्हेन ईच पर्सन इज इंगेट इन सम वर्क बट नॉट एवरी वन इज फुली एम्प्लॉयड इट इज कॉल द डिसंक्विस्ट या पार्सल अनएम्प्लॉयमेंट दिस ओकर वैन पीपल वर्क बिलो देयर कैपेसिटी जब पीपल अपनी कैपेसिटी के से कम काम करते हैं ठीक है फिफ्टी थ्री देखिए व्हाट आर पॉम लीव मैन पामला पाम लीफ मैनिसक्रप्चर्स क्या होते थे पाम लीफ मैनस्क्रप्चर्स थे मीमांसा होते थे और कंपोजिशंस एंड कम्पोजिशन वाई मल्टीपल इंडिविजल ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड पाम लीव स्ट्रिप्स और शीट्स ठीक है जो कि पाम लीव्स पर लिखे जाते थे या फिर हैंड रिटन स्क्रिप्चर भी होते थे जो हैंड रिटन पेपर पे भी लिखे जाते थे फिफ्टी फोर देखिए वाट इज मन रेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉल्ड हंड्रेड डे इन एम्प्लॉयमेंट स्कीम ठीक है इससे आपका क्वेश्चन या तो ऐसा बन सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा इच फुल फॉर्म लिखने का आ सकता है ऑब्जेक्टिव में तो इसको अच्छे से याद रखना ऐसा भी पूछ सकते हैं मनरेगा में आपको कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता था मतलब मजदूरों को तो हंड्रेड डे याद रखें आप लोग ठीक है ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से या फिर पूरा ही क्वेश्चन बन सकता है वाट वाई वाट इज मनरेगा द महात्मा गांधी नेशनल रूरल इनमेंट इन इन क्या बोलेगा इन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा गारंटी हंड्रेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू ऑल कैपेबल एंड विलिंग इंडिविजुअल इन रूरल एरियाज हैंस इट इज कॉल्ड द हंड्रेड डे एम्प्लॉयमेंट स्कीम ठीक है वट डज द टर्म मल्टी नेशनल कंपनी मीन्स मल्टी नेशनल कंपनीज क्या होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कंपनी दैट ऑन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर और वन कंट्री जिनका कंट्रोल होता है प्रोडक्शन के ऊपर और बेचने के ऊपर कई देशों पर देखिए जैसे कि सैमसंग है अपने यहाँ और पेप्सी है हुडाई है एल है होंडा यह मल्टीनेशनल कंपनी है कई देशों में इनका व्यापार चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ठीक है ग्लोबलाइजेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन रिपोर्ट म्यूचुअल कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द बिजनेस सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक इकोनॉमीज इन्वॉल्विंग फाइनेंस प्रोडक्शन एंड द इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू द इंटेंस इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज ठीक है फिफ्टी सेवन देखिए वाट इज मीड बाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पीस ऑफ लैंड इज सेलेक्टेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप एंड आफ्टर द फर्टिलिटी डिक्रीज इट इज अबेंडेंट एंड अनदर पीस ऑफ सेलेक्टेड फॉर सिमिलर फार्मिंग मतलब कि यदि वहाँ की मृदा सॉयल फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो क्या करेंगे उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे ठीक है लास्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्टी एट डिफाइन एयर पॉल्यूशन एयर पोल्यूशन क्या होता है एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड द एयर इन एक्सेसिव कॉजिंग हार्म टू द एंड ह्यूमन हेल्थ ये होता है एयर पोल्यूशन तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करना यदि चैनल पर नए हैं और प्ले लिस्ट को विजिट जरूर करें इंग्लिश मीडियम के लिए प्लेलिस्ट है अलग से तो उसमें ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे जितने भी अपलोड होते जाएंगे अभी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें वॉइस नहीं आई थी इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा पूरा बीस पच्चीस छब्बीस मिनट का तो वो पिछला वीडियो भी पड़ा हुआ है तो उसको मैं हटा दूँगा अब ये वाला नया वीडियो अपलोड कर दूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग